थैंक यू हालेलुया। एक ऐसी स्पिरिट है जिसे हम देखते हैं मोस्टली टाइम में, ज्यादातर जगहों में मैं उन आत्माओं को देखता हूँ ज्यादातर। पहली बात तो उस चर्च में जाओ जो जिंदा चर्च है। किस चर्च में? जिंदा चर्च। दूसरी बात, अगर आप हाली या मास्टर तो कोशिश कर ले बड़ी सी एक प्रोमोटिंग मांडो से रेडी है। अगर आप चर्च में आ रहे हैं और चर्च सालों से जा रहे हैं, आपकी लाइफ में अगर आपको प्रेयर लाइफ नहीं बढ़ रही आपकी, आप प्रभु के वचन में नहीं है, आप मन नहीं करता आपका, आपकी लाइफ चेंज नहीं हुई सरमन सुनने के बाद, अगर आपकी लाइफ ना बदले वो चर्च परमेश्वर की ओर से नहीं है। पहली बात, बाइबल फुल ऑफ फुल सीक्रेट्स। आपको पता है मैं क्यों कहता हूं? आपको राज पता होने चाहिए, सीक्रेट्स पता होने चाहिए, होने चाहिए नहीं होने चाहिए, राज पता होने चाहिए। यदि आपको उस राज्य के बारे में पता चल जाएगा, आपका मन कंफर्टेबल होना शुरू हो जाएगा। हम एक ऐसी स्पिरिट्स को देखते हैं जो आदि मछली इधर से नीचे कैसे होगी, जिसको बोलते हैं अमांडा स्पिरिट। उस वर्ड का नाम क्या है? अमांडा। क्या नाम है? यहां से नीचे वो मछली होगी, इधर से ऊपर वो इंसान है, जिसका नाम क्या है? जिसको आप बोलते हैं मरमेड। आपने कभी मछली देखी ऐसी जो आज तक एक पुख्ता सबूत जो मछली जो है वो आधा इंसान आधा हो, उन लोगों ने अपनी आंखों से देखी हो? एक भी नहीं देखी होगी, बट इस बंदे ने अपनी आंखों से देखी है। वो पानी पानी में नहीं रहती है, बट वो पानी को बेहतर यूज करती है, समझ आ? उसका एक ही काम है, एक चर्च से दूसरे चर्च, दूसरे चर्च से तीसरे चर्च, तीसरे चर्च से चौथे चर्च। पहला प्रूफ है आपकी बॉडी के अंदर अमांडा स्पिरिट आ चुकी है। आप जो मर्जी कर लो, इस स्पिरिट को अपनी लाइफ से अलग नहीं कर सकते। जब पहला प्रूफ है, भूल जाओ। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं हम तो प्रभु के भवन में जा रहे हैं। उसने कहा यदि जिसने तुझको मसीह में लाया तो उसका विश्वास नहीं करता, तो दुनिया का विश्वास नहीं कर पाएगा, कभी विश्वास नहीं कर पाएगा। अमांडा स्पिरिट बोलते हैं। कितने लोग तैयार हैं इससे बाहर आने? तुझे पता होता जाना, तुझे पता होता। मैं इसलिए नहीं कह रहा आप कहीं भी जाओ, पर जान लीजिए आप नहीं जा रहे। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आज मैं आपको एक बात कहता हूं। थैंक यू। आपके घर में गाय है? कितनी गाय? दो गाय? एक गाय? पक्का? ओके। आपके घर में कितनी गाय? एक। आपके घर में? आपके घर में है? किसके घर में गाय है? खड़ा जो हाथ खड़ा करो। अगर आपकी गाय बाहर गई होगी, मतलब आपके घर में नहीं है, तो मैं कैसे पहचानूं कि आपके घर में गाय है? जैसे मैं एंट्री करूंगा गोबर की स्मेल आएगी, आएगी नहीं आएगी? इसका मतलब गोबर नहीं तो, अगर गाय है तो समझ गए। इसलिए पहले मैं गोबर की बात करूंगा कि स्पिरिट काम करती है नहीं करती है, उसके बाद बताऊंगा परमेश्वर की आत्मा बात करती है नहीं करती है। Where there is a bow, there is a cow. जहां गोबर होगा वहां, अगर गोबर नहीं है तो गाय नहीं है, अगर गाय है तो मतलब गोबर हो गए होगा, जो मर्जी कर लो। कितना मेरे पास समझ आ रही है? हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर आपकी आत्मा के अंदर एक टेस्ट, एक अजीब सी मंच सी होती है कि मुझे उधर जाना है, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या था, क्या देखने किए थे वहां पे? क्या कोई खूबसूरत कपड़े पहने हुए मनुष्य को, लहलहाते हुए किसी पेड़ को, कहते क्या किसी प्रोफेट को, किसी भविष्यवक्ता को? उसने कहा भविष्यवक्ता से भी ऊपर। फिर मत कहना कि मैंने आपको बताया नहीं। आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड ये वाला, स्पिरिचुअल वर्ल्ड वो वाला, सेम लगेगा, बट बिना नॉलेज के गिर गए। फिर मत कहना कि मैं पता नहीं था। आपको पता है हमें एक किस्म के लिए 10 किस्म की लाइट फील होगी। अमांडा स्पिरिट जिस दिन आपकी लाइट, सबसे डीप स्पिरिट होती है, ये नहीं जानती, और उसका एक ही काम होता है आपकी लाइफ के अंदर से सारा वाटर ले लेना। क्या ले लेना? यीशु मसीह ने क्या कहा? जीवन। उसे यदि तू मुझे जानती तो मुझसे मांगती, मैं तुझे जीवन का जल देता।
तो जो जीवन का जल है वो उसे पी लेती है। कितना मेरे पास समझ आ रही है? हालेलुया। ये सबसे खतरनाक स्पिरिट होती है। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसने मुझ पे कोशिश की अपना काम करने की। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसने मुझे कहा तू एक काम कर, तू उस चर्च में जा, वहां से ब्लेस हो गया जा, क्योंकि तेरा स्पिरिचुअल फादर तो तेरे करीब नहीं है। द ऑफ लुक से एनीथिंग अच्छा द ऑफ लुक आओ। उसने कहा वो तेरे करीब नहीं है। मैंने क्या हो गया करीब नहीं है? मैं तो उसके घर जा रहा हूं, मैं तो उसके घर आ रहा हूं। मुझे अफ्रीका जाने में कितना टाइम लगता है? कुछ सेकंड लगते हैं। मैं अपने बाप के घर जाता हूं, मेरे पास आता हूं। वो कह रहे नहीं तू इधर ही किसी मिनिस्ट्री से जुड़ जाए हिंदुस्तान से, तो उससे ब्लेस हो जाता। मैं कहा समझ नहीं आती मुझे, बाप नहीं बदल सकता। हालेलुया। उसने बहुत कोशिश की। आप यकीन ना मानो, मेरी वाइफ को पूछो, मैं ज्यादातर टाइम प्रेयर में लगा, और ज्यादा प्रेयर में जा रहा हूं मैं उतना अटैक में आ रहा हूं। जितने लोग ज्यादा उस वर्ल्ड में जाएंगे उतने ज्यादा अटैक हो जाएंगे आपकी लाइफ के। प्रेयर इज नॉट ऑर्डिनरी थिंग्स। आप जितना प्रभु के करीब जाने की कोशिश करेंगे, शैतान आपको और दूर करने की कोशिश करेगा। कुछ लोग ये ना सोचिए मेरे लिए वचन सुधारक नहीं, मेरी लाइफ में ये हुआ इसलिए मैंने कहा ना, मैं वो ही प्रचार करता हूं जो मैं एक्सपीरियंस करता हूं। और ये सबसे डेंजरस स्पिरिट है, जिसको क्या बोलते हैं? अमेंडा स्पिरिट।